इन अल्लाह यग फिर युशरा का बिह बेश्लाह इस गुनाह को तो कभी मुआफ नहीं करेगा कि कोई शख्स इस हाल में अल्लाह के हजूर क्यामत के दिन पेश हुआ कि वह दुनिया में शिरक करता हुआ दुनिया में माफ कर देगा अगर किसी ने माफी मान ली आखरत की बात हो रही है वह यग फिर मादू नजालय इसके अलावा जितने भी गुना हैं जिसके लिए चाहेगा मुआफ कर देगा वो भी ओपन लाइसेंस नहीं है जिसके लिए चाहेगा मुआफ कर देगा लेकिन उम्मीद है कि वो काबले मुआफी हैं लेकिन शिरक ऐसा गुना है जो अल्लाह भी मुआफ नहीं करेगा आपको कह के जी अल्लाह की ये कुदरत की नफी नहीं हो जाती इन है तो अल्लाह ये क्यों कह है, कि मैं शिरक भी मुआफ़ नहीं करूंगा अल्लाह तो शिरक मुआफ कर सकता है हम ये जुमला भी नहीं बोलेंगे कर सकता है इसलिए ला तब्दील अली कलेम अल्लाह जो अल्लाह की वईदे हैं ना वो अल्लाह के फैसले हैं ये बहुत सख्त मामला है अल्लाह के कलेमात नहीं बदलते हैं। तो अल्लाह ताला ने ये अपनी डेस्टनी में चीज मुकर कर दी है कि मैंने मुशरिक को किसी सूरत भी बख्शना नहीं है उसके लिए जन्नत नहीं है हाँ इसके अलावा कोई गुना है वो जिसके लिए चाहेगा मुआफ़ कर देगा और वो भी ओपन लेसेंस नहीं है और उसमें मैं आपको एक गुनाह के हवाले से बता दूं सुन नबी दाऊद में हदीस है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दो गुना ऐसे हैं जो अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा बाकी हर गुना माफ़ कर देगा एक शिरक और दूसरा किसी मुमिन का कत्ले ना हक ये जो इसमें एक इशारा था ना कि इसके अलावा हर गुना चाहेगा जिसके लिए चाहेगा माफ कर देगा तो इसका क्या मतलब है जिसके लिए नहीं चाहेगा नहीं माफ करेगा तो इसमें भी इशारा मौजूद है कोई ऐसी चीज भी है कि जो अल्लाह तला जिसमें गिरफ्त कर सकता है और वह है कत्ल नाहक किसी मुकबिन का तो अब मुझे बताया जिन्होंने हुसैन इबन अली और उनके साथियों को नाहक कतल किया वो किस उम्मीद पर बैठे हुए हैं और उनको जन्नत की झूठी खुशखबरियां सुनाने वाले की सुमीद पे बैठे हुए सोचने वालों के लिए यह चीज काफी है सुन नबी दाऊद की हदीस व मई युशर और जिसने अल्लाह के साथ शिरक किया फ़क दफरा इसमन अवी तो उसने बहुत बड़ा झूठ अल्लाह तला के ऊपर बांध दिया बहुत बड़ा गुनाह का काम उसने किया शिर किया अच्छा सूर्य नंबर वन सिक्सटीन जब आएगी ना उसमें पहले अल्फाज तो यही होंगे इन फिर लेकिन अगले अलफाज हैं वह बिल्ला फ़कदम बो कोई अल्लाह के साथ शिर करे वह गुमराह हुआ और गुमराही में दूर जा पड़ा अल्लाह

चूंकि पिछली कुरान क्लासेस जो 344 फोर्टी फोर लेक्चर्स में मुकम्मल हुई थी उनमें इस आयत के ऊपर आलमोस्ट पौने दो घंटे की वीडियो रिकॉर्ड करवा दी थी इसी आयत के ऊपर मसला नंबर थ्री के नाम से वो अपलोडेड है यूट्यूब के ऊपर दुआ सिर्फ अल्लाह ही से आप यूट्यूब पर वैसे भी लिखे ना दुआ सिर्फ अल्लाह ही से और अली मिर्जा तो वो वीडियो खुल जाएगी और उसके बाद भी कई एक लेक्चर्स वक्तन फक्ता मैंने रिकॉर्ड करवाए वसीले के नाम पर धोखा मुझे तुमसे शिरक का खतरा नहीं यह अक्सर आप सुनते हैं ना नख्ते बिल्किस वाला वाक्य मूसा और खिजर वाला वाक्यम हर वो चीज जिसे धोखा करके ना कब्र परस्ती या बाबा परस्ती या बबों से मांगना सिखाते हैं ना एक, एक चीज के ऊपर मैंने अलग से तसली करवाई है कुरान बुहारी और मुस्लिम की रोशनी में अलहमदिल्ला अब वो सारे लेक्चर जमा करें तो इस एक आयत पे कम से कम दस घंटे गुफ्तू हो सकती है लेकिन टाइम तो मुतहमल नहीं है कि हम इतनी डिटेल गुफ्तु करें लेकिन चंद एक बातें तो मैं ज़रूर करूंगा एक रिसर्च पेपर मैंने इसके ऊपर लिख दिया आठ सफों का आप अहल सुन्नत पाक डॉट कॉम पर डाउनलोड करेंगे दुआ सिर्फ अल्ला ही से मैंने उसका नाम तोहिद शिरक इस तरह का नहीं रखा क्योंकि लोग इन नामों से चिड़ जाते हैं मैंने वो चीज़ उसके नाम पे रखी कि जिसके ऊपर लोग चढ़े ना आप किसी भी मुसलमान से ख्वाब रेलवी हो देवबंदी हो एहलेस हो अहले तशैय हो जाके पूछें कि दुआ किससे की जाती है तो क्या कहेगा अल्लाह से कोई आपको नखट्टू किस्म का भी बंदा ये नहीं कहेगा कि दुआ जो है वो किसी फरिश्ते से हो सकती है किसी जिन से हो सकती है किसी पैगम्बर से हो सकती है नहीं जी नहीं नमाज तो अल्लाह दी पढ़ी दी है दुआ भी अल्लाह को मंगी दी है लेकिन हालत ये होगी कि वो दुआ अल्लाह से ये मांग रहा होगा नमाज में तो कुरान की वो आयत सुरतुल्फात की फोर नंबर आयत कम अज कम सत्रह रखते हैं जो फर्ज हैं रोज़ाना की उनमें सत्रह दफा पढ़ता होगा इया का नाबुदू व्याया का नस्ताइन अल्लाह इबादत भी सिर्फ करेंगे और मदद भी सिर्फ तुझी से मांगेंगे ये मदद कौन सी दुआ वाली ग़ायब में किसी को पुकारना एक तो है आप सामने बैठे हैं ये तो कुरान में हुक्म है वाआवन एलल बिर्र व तकवा वाला तावन एलल इतमी वलवान नेकी और परेजगारी के कामों में एक दूसरे की मदद करो बुराई में मत करो ये तो कुरान में हुक्म है मैं आपको कहता हूँ तो मुझे पानी पिला दें आप मुझे पानी पिलाते हैं तो ये कुरन में हुकम है कि आपने इसबाब इख्तियारना है लेकिन आप बगदाद शरीफ़ में अजमेर शरीफ में और वहाँ भी कब्र में दफन है और आप मर चुके हैं आखरत की ज़िंदगी में जिंदा हैं दुनिया की जिंदगी से निकल चुके और मैं आपसे कहूं पानी पिला दें वही बात वही जुमला एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बदलने से शिरक बन जाएगा क्योंकि आप गैर से दुआ मांग रहे हैं जहरी इस बाब में तो आप काफिर से भी मदद मांग सकते हैं सही बुखारी में मौजूद है नबी इस्लाम जब फोत हुए तो आपकी जिरा भी एक यहूदी के पास गिरवी रखी हुई थी गंदम के एवश अनाज के एवश तो आपने यहूदी से भी मदद ली बाद लोग कहते हैं जी नबीलाम ने गजब खैबर पर मौला अली से मदद मांगी वही मौला अली सामने मौजूद थे वो जितने साहब आपके साथ थे रसुल्ला वसम के मददगार थे दीन के अतबार से लेकिन आपने खैबर के मौका पर अपने चचा को जो आर्मी चीफ थे गजबे बदर और अहद में हमज़ा बिन अब्दुलमतलब जो कि अल्लाह के शेर हैं और सैदशहदा हैं अलमस्तिल हाकम में हदीस मौजूद है आपने ये तो नहीं कहा मदद या हमजा अमीर हमजा मेरी मदद को पहुंचे क्योंकि वो हो चुके तो थे जो सामने मौजूद थे उन्हीं को बुलाना था तो दो चीजों को ही मिक्स करते हैं अच्छा मुझे बताएं बारिश कौन बरसाता है अल्लाह ड्यूटी किसकी है फरिश्तों की तो हम क्या बारिश अल्लाह से मांगते हैं या फरिश्तों से अल्लाह से फरिश्तों से मांगेंगे तो शिरक हो जाएगा लिहाजा ये पता चला कि अगर ड्यूटियां भी लगी हुई हो कहना ना बजुर्गों की ड्यूटियां ने लादा खाल ड्यूटी किसी को पूरी हुई जिस जिस मज़ार का कहते ना ड्यूटी है सारे चरसी पोडरी फीमी उसी मज़ार तक बैठे होंगे ने अपने मजार के उत्ते ड्यूटी नहीं पूरी हो रही उन्होंने को चल ड्यूटी लगी भी, भी हो फिर भी आप पुकार नहीं किसी को सकते ये झगड़ा नहीं है कि मौला अलीसलाम मुश्किल कुशाह हैं या नहीं शेख अब्दुल कदर जनानी रहमत लाला मुश्किल कुशाह हैं या नहीं ये झगड़ा ही नहीं है झगड़ा यह है कि अगर यह हो भी तब भी मरने के बाद इस दुनिया की जिंदगी से जाने के बाद आप उनसे कम्युनिकेशन नहीं कर सकते ना किसी फरिश्ते से ना किसी जिन से ना किसी पैगंबर से और अगर आप जाहरी इसबाब की बात करते हैं तो सबसे बड़ा मुश्किल कुशा जाहिर इसबाब में इस कायनात में इंसानों के लिए सूरज है सूरज खत्म हो जाए सारे इंसान मर जाएंगे चाहे कोई बुजुर्ग है या गैर बुजुर्ग है चाहे मुसलमान है या काफिर है फारक। सूरज खत्म जमीन अपनी नबातात नहीं पैदा कर सकती फोटोसिंथेसिस के जरिए जो करती है जब जमीन उगाना छोड़ देगी तो अगर आप जानवर भी खाएंगे तो कितना अर्सा जिसना हमारे हुक्मरान हमें कहते हैं कि अगर टमाटर महंगे हैं तो दही डाल दो तो अगर जमीन उगाना छोड़ दे तो हम जानवर खाएंगे तो कितना अर्सा मछलियाँ खाएंगे तो कितना अर्सा वो भी सारी मर जाएंगी मारे खाने से पहले ही दुनिया पे मौसमों का तब्दील होना हवाओं का चलना हर जिंदा चीज की खुराक ये एक सूरज के ऊपर डिपेंडेंट है तो फिर सबसे बड़ा मुश्किल कुशा कौन हुआ सूरज आज तक किसी काफिर ने भी कहा अल मदद या सूरज मेरी मदद फरमाइए हमें कभी वहम भी नहीं आता सूरज की बरकत से ही ग्लेशियर्स का पानी पिघल के दरियाओं में आता है जमीन के नीचे भी दरिया चलते हैं जमीन के ऊपर भी जिस पानी से हम लोग जिंदा हैं, और वो ग्लेशियर्स तक पानी पहुंचना भी सूरज की वजह से है क्योंकि सूरज वेपोरेट करता है समुद्र के पानी को वो हवाओं और बादलों की शक्ल में हम पर बारिश की शकल में और पहाड़ों पे बर्फ की शक्ल में बरसती है वरना ये करोड़ों टन पानी अगर समुंदर से शिफ्ट करना पड़े उसका नमक निकाल के ग्लेशियर के ऊपर पूरी इंसानियत क्या मत तक भी लगी रही ये नहीं कर सकती जो कहते हैं खुद बहुत खुद हो रहा है और जो काम करने से ना हो वो खुद खुद कैसे हो सकता है जब तक आप उसके पीछे डिवाइन सोर्स ना मान ले गॉड इज दी एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल द फिजिकल फिनमिना इन दिस यूनिवर्स खुदा ही वजाहत है इस कायनात में होने वाले हर फिजिकल फिनमिना के पीछे वो डिवाइन सोर्स है ड्यूटी लगाई भी है पंद्रह अरब साल से सूरज चल रहा है उस उसमें फ्यूल कौन डाल रहा है उसे कान से पकड़ के कौन चला रहा है सूरज को खुद भी नहीं पता कि वो क्या कर रहा होगा लेकिन सूरज को हम क्या मुश्किल को शाम मानते हैं हालांकि सारी मुश्किलें हमारी वही हाल कर रहा है हम कहते हैं सबब है फिर भी नहीं पुकारते इतने बड़े सबब को आप पुकार नहीं रहे तो बाबे किधर से आ गए बाबे तो खुद आपके नजरानों पर चलते हैं खाना खा लें तो उन्हें टॉयलेट की जरूरत पड़ जाती है और जो कोई कहता है ना मैं समुंदर दरिया या जलजला रोक सकता हूं वो अपना पेशाब को रोक के बता दे नहीं वो पिछले दिनों एक इंडिया के वो मोहल्ला साहब की वीडियो भी अपलोड हुई थी ना कि शेख अब्दुल जनानी की मजलिस में एक वक्त के बहुत बड़े वली बैठे थे उस दौरान उन्हें पेशाब आ गया और शिद्दत सीधी थी, थी तो रोक लेते ना खुद मान लिया बुजुर्ग नहीं पेशाप रोक सकते कहते हैं अब्दुल गादर जिनानी ने एंड जनाब चादर सुट्टी उन्होंने जाके डिगी तो फिर किसी मैदान पहुंच गए तो फारे हो वापस आए तो रोक लेंगे ना उसमें अल्फाज है वो कहते हैं वो बहुत बड़े वलीउल्ला थे पेशाब नहीं रुका नहीं रुक सकता सर ना इंसान बहुत कमजोर है खाना ना खाए जिंदा नहीं रह सकता मोहताज है सूरतुलमादा की आय नंबर सेवनटी टू में आया ईसा और उनकी मां रोटी के मोहताज थे अगर ईसा उल उल पैगंबर मोहताज है खाना खाने के और उनकी मां सारे बुजुर्गों से बड़ी बुजुर्ग वलिया मरियम बिनते इमरान वो रोटी की मोहताज हैं तो बाबों की क्या ओकात है रोटी के मोहताज है और रोटी खा ले तो निकालने के मोहताज ना निकले तो फिर परेशानी सब कुछ अल्लाह कर रहा है तो मेरे भाई जब ये अल्लाह कर रहा है पुकारना अल्लाह को है इया का बुदू व ईया का नस्ताइन हमारा मेन झगड़ा है शिरक के हवाले से हजारों बातें एक तरफ असल बात यह है कि असल शिरक हुआ है इया का नस्ताइन में इबादत की कोई शक्ल नमाज रोजा हज जक़ात नजर न्याज सब अल्लाह के लिए है। सब देते भी अल्लाह के लिए है। बस इस साल सुहाब की नीयत करते हैं वो छोटा मसला है ठीक है मैय की तरफ से साले सवाब हो सकता है लेकिन ईया का नस्ताइन में मुसलमानों की अक्सरियत शिरक कर रही होती है अच्छा नमाज में नहीं करती नमाज में आज तक किसी ने या अली मदद या शेख अबदुल्ला जनानी मदद नहीं पड़ा नमाज में क्या पढ़ते हैं तो सर मौला अली भी नमाजों में अल्लाह को पुकारते थे नमाज के बाद भी अल्लाह को पुकारते थे मौला अली का मानने वाला वो होगा जो मौला अली की तरह अल्लाह ही को पुकारे वरना मौला अली का मानने वाला तो वह ना हुआ तो ये आप देखें कितनी बड़ी जरूरत का ये लोग काम कर रहे होते हैं अब जब समझाते हैं तो कहते हैं आप गुस्ताखी कर रहे हैं सर जब आप ईसाईयों को समझाते हैं ना कि हजरत ईसा इब्ने मरियम अल्लाह के बेटे नहीं हैं तो ईसाई भी यही समझते हैं आप हजरत ईसा की गुस्ताखी कर रहे हैं और कुरान में तो बहुत सख्त बात आई है सूरह अलमादा की आयत नंबर सेवनटीन में लक़द कफ़रदीन الله इन المسيح अब्न मरियम बेशक वो लोग कुफ्र कर रहे हैं जो ये कह रहे हैं कि ईसा इब्ने मरियम ही अल्लाह हैं उसके बाद कितने सख्त अल्फाज हैं उल एनबी तुम फरमाओ फमई आ अल्लाह का कोई क्या बिगाड़ लेगा इन अरा मसीहब न मरियम वनफिल जमी आ अर्द अगर अल्लाह इरादा करे कि ईसा ने मरियम और उनकी मां को और सारी मखलूक को हलाक कर दे अल्लाह का कोई क्या बिगाड़ सकता है अच्छा शिरक किया ईसाइयों ने मिसाल दे दी ईसाइब ने मरियम की तौहीद के लिए लिहाजा बाबों की मिसाल आएगी सर ईसा से बड़ा तो कोई बाबा नहीं है वह जी फिर दुनिया वाल आखिर व वा मिनल मुकर्रबीन सूर आल इमरान आयत नंबर फोर्टी फाइव और पांच उल अजम पैगंबर जो सूरत अजाब में सूर शूरा में आए मोहम्मद रसूल्ला इब्राहिम आसलाम मूसा आलाम नू आलाम और ईसा आलाम उनमें से एक है ईसा बिन मरियम और अला फर मारा अल्लाह का कोई क्या बिगाड़ लेगा अगर अल्लाह ईसा और उसकी माँ और सब लोगों को हलाक कर दे व लाही ही मुल्क समावाती वाल अर्द बादशाहत तो आसमानों और जमीन की अल्लाह की है वमा बई बेई हुमा और जो कुछ इसके दरमियान है उसका मालिक भी अल्लाह है यखलूक या, या शाह जो चाहता है पैदा करता है ईसा कभी इसने पैदा किया है उसकी मखलूक है दैट्स जिस तरह तो और मख्लूक है वहकुल्ली शदीर और अल्लाह तला हर चीज़ के ऊपर कादर है सर किस लेवल पे जाके आपको अल्लाह समझाए किस लेवल के ऊपर जाके तोहीद का मामला बहुत सेंसिटिव है मैं अक्सर एक, एक जुमला बोलता हूं शिरक इज मोस्ट सेंसिटिव इशू इन द साइट ऑफ अल्लाह अल्लाह के हुजूर शिरक से ज्यादा कोई हसास मामला नहीं है इसलिए तो यह आयत आई है कि अल्लाह ने हर गुना माफ कर देना लेकिन यह माफ नहीं करना लेकिन सर एक खुशखबरी भी है सूरतुल फुरान की आयत नंबर सत्तर में आया कि अगर कोई शिरक से दुनिया की जिंदगी में तोबा कर ले हम उसके गुनाहों को भी नकियों से बदल देंगे सुबह सुबहानबी हमदी ही सुबह आददी ही वली यानी अल्लाह उसको यह भी दिखेगा कि इतना सा तू शिर किया है पहले अन्य साल नकियां कर तो एडा गाड़ा गुना सी उन्हें खत्म करने टाइम चाहिए अल्लाह कहता है तू तोबा कर ले मैं उस गुनाह को भी नेकी के बराबर तोड़ लूंगा एक बार मेरी तरफ आ जा सही मुस्लिम हदीस है और जामिया तिर में भी ए मेरे बंदे अगर तू इतने गुनाह कर ले कि आसमान तक पहुंच जाए और सिर्फ एक दफा मुझसे माफी मांग ले मैं तेरी तोबा कबूल कर लूंगा और ऐ मेरे बंदे अगर तू जमीनों आसमान गुनाहों के भर के क्यामत वाले दिन मेरे पास आया लेकिन तूने एक गुना ना किया हुआ और वो है मुझसे के साथ किसी को शरीक ठहराना तो मैं उस कदर मकफरत के साथ उससे मुलाकात कर लूंगा अगर तूने ने शिरक ना किया हुआ बस ये गारंटी दे दे एक तो मोटा मोटा शिरक है ना वैसे तो ख्वाहिश नफ्स को भी शिरक कहा गया अफर आईता मन इलाहा इलाहावा भला उस शख्स को देखा जिसने अपनी ख्वाहिश नफ्स को अपना खुदा बना लिया वो भी छोटा शिरक तो है फजर के वक्त अजान की आवाज़ सुन के मस्जिद में ना जाना और अपने नफ्स की पैरवी करना यह भी की एक फॉर्म है इसीलिए इब्राहिम आसलाम को सबसे बड़ी जो डिग्री कुरान में अल्लाह ने दी है ना वो क्या है वमा काना मिनल मिनलमशरक वो मुशरिक नहीं थे आप मना कहते यार ये कौन सी डिग्री है मुशरिक तो मैं भी नहीं हूं ना सर ना इब्राहिम इब्राहीम की तौहीद और ते मेरी तो वह हर तरह के शर्क से आज़ाद हो चुके थे सर इससे बड़ी क्या बात होगी अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया कि बकरा में कि जब जब इब्राहिम को उसके रब ने आजमाया तब तब वो आजमाइश में पूरा उतरा और सूरतुल्नजम में फरमाया इब्राहिम वो है जो हमसे वफा करने वाला है और सूर असाफात में आया कि हमने उसे इतनी बड़ी आजमाइश में डाला कि उसके बच्चे की कुर्बानी का उसे हुक्म दिया तो वह तैयार हो गया उसके लिए तो उन्होंने बेटे को भी अल्लाह के मुकाबले पर खड़े नहीं होने दिया इसलिए कहा गया वमा काना मिनल मुशरिकीन ये कोई छोटी डिग्री नहीं बहुत बड़ी डिग्री है तो शिर का मामला बहुत सेंसिटिव है ये सही मुस्लिम की मैंने आपको हदीस बताई एक और हदीस है सही मुस्लिम के अंदर ही कि नबी नबीलाम जब शब में राज गए तो अल्लाह ताला ने उनको तीन तोहफे दिए नंबर वन पांच नमाजें नंबर दो बकरा की आखिरी दो आयात आमन और रसूल और तीसरा ये कि मैं गारंटी देता हूं कि आपका जो उम्मती शिरक नहीं करेगा ना मैं उसकी मफरत कर दूंगा क्या मत वाले दिन यानी एट द एंड ऑफ द डे अपना अजाब भुगतने के बाद ये नबी इस्लाम को गारंटी दी गई बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है नबीस्लाम ने तीन दफा फरमाया जानते हो सबसे बड़ा गुना कौन सा है जानते हो सबसे, सबसे बड़ा गुना कौन सा है जानते हो सबसे बड़ा गुना कौन सा है साहब ने कहा यारसुल्लाह और उसका असूल बेहतर जानते हैं आप फरमाया क्या मैं तुम्हें बताना दू तुम्हें दो, बताना दू बताना दूरसुल्लाह बताएं फरमाया अल्लाह के साथ शिरक करना और एक और हदीस है बुखारी और मुस्लिम की उसमें भी ये अल्फाज है लेकिन उसमें अल्फाज हैं कि तुम अल्लाह के साथ शिरक करते हो हालांकि उसने तुम्हें पैदा किया है पैदा करने वाला और पैदा हुआ हुआ बराबर नहीं हो सकते सर अल्लाह ही है जो पैदा करने वाला है बाकी सब पैदा हुए हैं तो वो अल्लाह के मुकाबले पे कैसे आ सकते नेवर कभी नहीं आ सकते सही बुखारी और मुस्लिम में एक और हदीस है मुआिब ने जबल कहते हैं कि मैं इस्लाम के पीछे एक दफ़ा सवारी पे गधे पे बैठा था आपके और मेरे दरमियान बस एक पालान की लकड़ी थी यानी ने अपने पीछे वो एक छोटी सी लकड़ी रखी हुई थी कमर को सपोर्ट देने के लिए अब वो ये नक्शा इसलिए खींच रहे थे अपना रसुल्ला से कुर्ब बताने के लिए कि मेरी खुश नसीबी है कि वजूर गधे पे बैठे हैं आगे और मेरे और नबी इस्लाम के दरमियान सिर्फ़ एक लकड़ी की वो पालान की डंडी है लकड़ी की सर आप ज़रा खुशनसीबी का लेवल देखें और इस्लाम सवारी पे मुझसे शाह फरमाते हैं मुआज तो कहते हैं मैंने कहा यारसल्ला हाजिर हूँ हुक्म कीजिए फिर हज़ू ने दूसरी दफ़ा कहा मुआज फिर उन्होंने कहा यारसल्लाह मैं हाजिर हूँ तीसरी दफ़ा भी इस का फिर हज़ूर ने यानी ये इसलिए आप करते थे कि किसी को अटेंटिव करें कि मैं आपको बहुत बड़ी बात करने लगूँ तो मैं जानते हो कि अल्लाह का अपने बंदों पर क्या हक हाँ है क्या अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं फरमाया कि अल्लाह का अपने बंदों पर यह हक हाँ है कि वो सिर्फ उसी की इबादत करें और उसके साथ किसी को शरीक न ठहराए तो फिर नबील नबीम खामोश हो गए सवारी थोड़ी आगे गई फिर आपने कहा मोज के अरसुल्ला हाजर लब्बई का या रसूल अल्लाह ये अल्फाज हैं या हाजिर हूँ फिर कहा माज यारसूल तीन दफा फिर जानते हो जो बंदा यह कर ले शिरक ना करे और अल्लाह के की ही इबादत करे उस बंदे का अपने रब पे क्या हक है हाय 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 बंदे का क्या हक हो सकता है बंदे की क्या औकात है लेकिन अल्लाह ने इंसान को यह इज्जत दी है कि जो शिरक नहीं करता और सिर्फ उसकी बात करता है वो फिर अल्लाह पे हक रखता है कि ऐसे बंदे को अल्लाह अजाब ना दे और क्यामत वाले दिन बख्श दे

वो कहते हैं, मेरे खलील ने मेरे जिगरी यार ने रसुल्ला के लिए वही लफ्ज इस्तेमाल कर रहे थे मेरे खलील ने मुझे यह नसीहत की थी कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराना खा तुम्हारे जिसम के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए या तुम्हें जिंदा आग में जला दिया जाए वो तैयार हो जाना लेकिन शिरक ना करना अच्छा मुसलमान बड़े कॉन्फिडेंट है वो कहते है, नहीं हम तो कोई कोई भी शिरक नहीं करता शिरक मुक गया जी वो मेरी वीडियो मुके है एक कब्रा उतरे आके हिंदू पे सजदे कर देने अली अल्लाह जो शिया का एक गुरोह है नुसैरिया शाम में वो कोई हिंदुओं में से निकला हुआ है शिया में से निकला है ना और सुनियों में से जो है फिरका कादियानियों का निकला है ये रसुल्ला के साथ शिरक नहीं कर रहे हैं कि उन्होंने एक झूठी नबूत क्लेम कर दी है वो आसमान से तो नहीं नाजिल हुए यह पहले हनफी था ना गुलामत कादियानी जाल तो अगर शिरक खत्म हो चुका है तो ये कहां से टपक पड़े है? फिर तस्वुख में हलूलिया जो अल्लाह के लिए हलूल का अकीदा रखते हैं कश्य मजूब में अली बिन उस्मान बिनुस्मान ने खुद लिखा है कि वो गुमराह लोग हैं जो कहते हैं अल्लाह हमारे अंदर आ जाता है तो ये शिरक कर रहे हैं तो शिरक अगर खत्म हुआ होता तो ये सब लोग वैसे ही लिखते रहे ये बहुत सेंसिटिव मामला है तो उसमें बुनियादी बात वही है व इन इनताइन अच्छा हालांकि ये Allah से मदद मांगना भी इबादत ही है लेकिन सल्लल्लाहु अलैहि ने ने और ताला ने इसको अलग तो नाबुदू ना में दुआ शामिल थी लेकिन अल्लाह को पता था ज्यादा इसलिए मजीद उसको निखारते हुए कर दिया दुआ भी सिर्फ उसी से करनी है हो सकता है इबादत की वजह से लोग ना जी जब हम सब जाते हैं कि यार दुआ भी अल्लाह से करनी है तो कहते हैं नहीं नहीं ये जो कम है इबादत इबादत है लेकिन अल्लाह ने उसको अल्लाह किया नस्ताइन और जहां तिरमजी में हदीस है नबी इस्लाम ने फरमाया अ दुआल इबादा दुआ ही इबादत है यानी इबादत की आला शक्ल क्या है दुआ ईया के नस्ताइन फिर आपने कहा कि अल्लाह अभी तो कुरान में फरमाता है नबी इलास्म ने अपनी बात की दलील में कुरान की आयत पढ़ी सूर अलमुकमिन की जिसे सूर्य गाफिर भी कहते हैं नंबर साठ सिक्सटी अस्तजब लकुम ए मेरे बंदो मुझसे मांगो मैं तुम्हारी दुआ को कबूल करूंगा इन तकबिरून इबादती सैद खुलूना जहन्ना मेरे बंदो मुझसे मांगो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा बेशक जो लोग मुझसे दुआ करने में तकबर करते हैं और मुझसे नहीं मांगते मैं उन्हें जरीलो ख्वार करके दोजख में दाखिल करूंगा फरमा है जिक्र हुआ कि मुझसे दुआ करो मैं कबूल करूंगा और उसी आयत में कह दिया कि जो मेरी इबादत से तकबर करते हैं उन्हें मैं जरूार करूंगा यानी दुआ को खुद इबादत कहा अल्लाह ने और रहा ने उसको मजीद एक्सप्लेन कर दिया अपनी उस हदीस से अ दुआल इबादा और साथ आयत पढ़ दी अब आपको किस तरह और समझाएं कि नबीस्म किस तरह खोल खोल के बातों को इर्शाद फरमाया करते थे एक तो वो आयत है सूरतला नाम की आयत नंबर एटी एट जिसमें अल्लाह तला ने आलमोस्ट बाई नेम अठारह अंबिया के नाम एग्जैक्टली अट्ठारह अंबिया के नाम जिक्र किए हैं कुरान में अंबिया कराम के नामों का सबसे बड़ा गुलदस्ता जो है ना वो सूरतला नाम की वो आयत है एटी एट नंबर और उसके साथ एडजेंट एटी एट आयत में जाकर अठारह अंबिया का बाई नेम जिक्र करके आखिर में अल्लाह तार ने अपना फतवा सुनाया शरकू लुम अगर यह भी शिरक करते होते तो हम इनके भी सारे माल बर्बाद कर देते इससे ज्यादा आपका रब मेरा रब आपको कैसे समझाए कि शिरक इज दी मोस्ट सेंसिटिव इशू इन द साइट ऑफ अल्लाह

कि बिलफर्ज अगर तुमने भी शिर किया तुम्हारे अमाल भी सारे बर्बाद कर दिए जाएंगे और तुम खजारा पाने वालों में से हो जाओगे सारे अंबिया और जाहिर है कि अंबिया के, के जरिए उम्मतों को भी और फिर सर जिस शाम से ईसा ने मरियम का खुतबा आया ना जी सूर्य अलमादा किया सबसे बड़ा शिरक बुतप्रस्ती के नाम पर नहीं है एक पैगंबर के नाम पर खड़ा हुआ है यार बुद्ध पुरस्त तो इस वक्त दुनिया में हार्डली अस्सी नब्बे करोड़ होंगे वो भी आस्ता आस्ता सेकुलर ही हो गए लेकिन पौने दो अरब क्रिश्चियंस शिर कर रहे हैं एक पैगंबर के नाम के ऊपर उसमें पैगंबर का कोई कसूर नहीं है जीसस क्राइस्ट ने कभी उनको शिरक तालीम नहीं किया तो अल्लाह ताला ने क्रिश्चियंस को समझाने के लिए और ईसा मरियम की सफाई के लिए उनकी तरफ से सफाई पेश करने के लिए

कैथोलिक की भी नफी की है बेशक वो भी खुला कुफर कर रहे हैं जो कह रहे हैं तीन खुदाओं में से एक है अल्लाह यानी गॉड द होली फादर और जिब्राइल, द होली गोस्ट और ईसाब ने मरियम द होली सन इस्लाम के बारे जमाने में हजरत मरियम को ट्रिनिटी में शामिल किया गया था आज की जो ईसाईयत है उसमें हजरत मरीम को निकाल के हजरत जबरील को डाल दिया उन्होंने बहरहाल अल्लाह ने कहा ये कोफर है वो जो 72 नंबर आयत है ना لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم उसमें अल्लाह तआला ने इसके बाद ही इसी आयत में फरमाया وقال المسيح जबकि ईसा मसीह तो कहा करते थे या بني اسرائيل اے याकूब की औलादुल्ला इबादत करो उस रब की जो मेरा भी रब है और तुम्हारा भी रब है अल्लाह के साथ शिर किया बिल्ला फकत हर जन्ना नार। मिन ऐसे शख्स पर अल्लाह ने जन्नत हराम कर दी है और उसका क्यामत के दिन ठिकाना आग होगा और वहां उसका कोई मददगार नहीं होगा हत्या के सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों में यह हदीस है अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने हर पैगंबर को एक ऐसी दुआ दी थी जो मकबूल दुआ थी वो उसने इस दुनिया में ही मांग ली अल्लाह से उसी दुआ के अगेंस्ट आपको पता है हजरत नूअ इस्लाम ने अजाब मांग लिया था अल्लाह ताला से अपनी तौम के अगेंस्ट और मैंने वो अपनी दुआ संभाल कर रखी है क्यामत वाले दिन के लिए और इस दुआ के जरिए मैं अपने उम्मतियों की शिफात करूंगा सलाद मोहम्मद मेरी शिफात से मेरे हर उम्मती को नफा पहुंचेगा सवाए उस शख्स के जिसने दुनिया में अल्लाह के साथ किसी किस्म का शिरक किया हुआ हरे कुछ बात पहुंचेगी बहरल अब ये चीजें तो बिल्कुल वाज़े थी लेकिन सू ने अवाम को ऐसे धोखे दिए कि आज तक अवाम उन धोखों से बाहर नहीं निकल रही कभी वसीला और तवसल के नाम के ऊपर जिसकी जाय सूरतें बहुत सारी हैं इसानत का मसला गैरुल्ला को मदद के लिए पुकारना साबित किया कभी बहाना किया अतई का और जाति का कभी फर्क डाला मुस्तकिल भी का और गैर मुस्तकिल भी का ये सब कहानियां डाली जो मैंने वक्ता फ़क्ता मुख्तलि वीडियोज के अंदर कवर की हैं और ये रिसर्च पेपर आप पढ़ लेंगे तो आपको बहुत कुछ इंशाला पता चल जाएगा इस हवाले से इसलिए मैं कहता हूं कि कुरान हकीम का वही माना मोतबर है जो पहली दफ़ा कोई गैर मुस्लिम पढ़ के उसका माना ले मुसलमान का पढ़ा हुआ मोतबर नहीं होगा वरना मेरे भाइयों हजारों मुफसरीन हैं जो कुरान की तफसीरें लिख के मर गए हैं उनकी अपनी तो ही ठीक नहीं हुई है <laughs> क्योंकि मक्खी पे मक्खी मारते रहे अपने बुजुर्गों से सोना उसी तरीके से आगे ट्रैवल किया आप ईमानदारी से मुझे बताएं आज मैं अगर किसी गोरे के सामने ये स्टेटमेंट रखूँ इया का नबुदू व इया का नस्ताइन हम तेरी ही इबादत करते हैं तेरी ही इबादत करेंगे क्योंकि मुजारे का सीख है तुट से मदद मांगते हैं तुझी से मदद मांगेंगे यानी दुआ तुट से दुआ करते हैं तुझी से करेंगे और आप उसको कहेंगे इससे किसी बाबे को पुकारना क्या साबित होता है तो वो भी आपको कहेगा यार ये तो बिल्कुल वाज़े है कि तेरी ही तो इसके बाद तो कोई और दूसरे की नफी हो जाएगी लेकिन आप पाकिस्तान की करोड़ों वाम को मनवा के बताएं कुरान के पहले सफे का टेस्ट पास करने के लिए तैयार नहीं है और ऐसे ऐसे बहाने आपके सामने रखेंगे जो किसी के दिमाग में भी नहीं आएंगे और इसीलिए फिर वो आपको क्योंकि कुरान डायरेक्ट नहीं पढ़ना चाहिए बंदा गुमराह हो जाता है जाहिर है तो कुरान क्या कि यह किताबें गुमराई है नाउज तो ही कुफर है अगर हम किसी काफिर को कहें कि ये लो ये किताब ले लो गुमराह भी हो सकते हो हायत भी पा सकते हो तो वो कहे यार अपने पास रखो लेकिन कुरान तो कहता है सूर्य अलबकर वन एटी फाइव वलफ़ुरक़ान पूरी इंसानियत के लिए हदायत है और रोशन दलाइल है हक और बातिल में तमीज करने वाली किताब अलफ़ुरक़ान है वो जो आया दिल्ल बिही कसीर यह बिही कसीरा वो तो बात ही कुछ और थी वो अल्लाह ने फरमाया जो अहल ईमान है जो बात मानने वाले हैं वो कुरान पर अमल करके हदायत पा लेते हैं और जो नहीं मानने वाले वो इस पर इतराज निकालते हैं अल्लाह ने इसके अंदर जो है वो सूरत अनकबूत में क्यों मिसाल बयान की है मकड़ी की और मक्खी की सूरत हज में क्यों बयान की तो अल्लाह फरमाते हैं हम तो इस बात से हया महसूस नहीं करते कि हम मच्छर की मिसाल बयान करें या उससे किसी हकीर चीज़ की हमारा मकसद बात समझाना है और जो अहल हक़ है वो इसको कबूल करते हैं और जो बाल की खाल उतारने वाले हैं वो इसके ज़रिए से और भिदकते हैं जो उन्होंने बात माननी नहीं इसलिए घुबराह होते हैं वह मा अब मैं आपको टाइम थोड़ा ही रह गया चार वाक्यात ऐसे बताता हूं अपनी जिंदगी में तोहेद के हवाले से बातें तो करने को बहुत है मैं अगली भी पूरी क्लास इस पर कर सकता हूं लेकिन वो फिर बहुत लंबा हो जाएगा टॉपिक बहरल ये ऑलमोस्ट 2010 की बात है जब हमने नई नई एकेडमी बनाई उस वक्त तो हम चांदे के लोग ही थे और कभी कभार कोई हमारे दोस्तों में से किसी को पकड़ के भी ले आता था कि जी इनके साथ आप इल्मी कोई मुजादला कर लें जिसे मुनाजरा कहते हैं तो वह एक दफ़ा एक भाई एक शिया ज़ाकिर को लेके आ गए और मौजू तय पाया या अली मदद के ऊपर भई हमें लब्बई का या रसूल अल्लाह लब्बई का या हुसैन लब्बई का या अली कहने से कोई हमें चिड़ नहीं है मोहब्बत के जार में आप कर लें लेकिन वंस आप उनको मदद के लिए पुकारेंगे तो हम कहेंगे ईया का, का नस्त की वायलेशन हो गई है यह हमारा इखलाफ है हमारा यह झगड़ा नहीं है कि मौला अली मुश्किल कुशा आज की डेट में भी हैं या नहीं अपनी मुबारक जिंदगी में तो थे जाहिर है खैबर उखाड़ा उन्होंने लेकिन आज की डेट के अंदर जब बंदा दुनिया से चला गया तो आप उसको नहीं पुकार सकते यह झगड़ा नहीं है इख्तियार है या नहीं फरिश्तों के जरिए अल्लाह बारिश बरसाता है लेकिन हम बारिश अगर फरिश्तों से मांगेंगे मशरक हो जाएंगे सूरज के जरिए सारा दुनिया का निज़ाम चल रहा है उसकी रोशनी की वजह से लेकिन हम अलबदल या सूरज कहेंगे तो मुशरक हो जाएंगे क्योंकि हम इसबा को पुकार नहीं सकते इसब सिर्फ इख्तियार करने हैं और वो भी ज़्यादा वही करेंगे जो सामने मौजूद है उसका कुरान में हुक्म हुक्म मौजूद है वता आवन आल बिर व तकवा वालास्म जुबान नेकी प्रेस गारी के कामों में एक दूसरे की मदद करो बुराई के कामों में एक दूसरे की मदद ना करो जहरी इस बाब है बहरल वो वही रटे रटाए उनके वो जो होते हैं लेम एक्सक्यूज़ वो ऑलरेडी हमने रिसर्च पेपर के अंदर डाले हुए तो वो आए तो वह कहते हैं जी खैर से मदद मांगना आप किस तरह शिरक कहते हैं मैंने कहा हम कहते हैं गैरुल्ला से मदद जो सामने है आप ले सकते हैं ना हम गैरुल्ला को पुकारने को शिरक कहते हैं ना हम ये कहते हैं कि कोई शख्स दूर से नहीं सुन सकता अल्लाह चाहे तो सुना सकता है हजरत सलमान को कीड़ी की आवाज़ सुनवा दी थी हमें तो कोई अर्ज नहीं है ये झगड़ा नहीं है कि दूर से कोई सुन नहीं सकता या किसी को या कह के पुकार नहीं सकते नमाज में हम पढ़ते हैं असलमोल का यू नबी बुखारी मुस्लिम हदीस है जब तुम ये पढ़ोगे असलाम इबादल तो अल्लाह ज़मीन उस्मान में हर नेक बंद तक तुम्हारा सलाम पहुंचा देगा या रसुल्ला कह के कोई सलाम भी पढ़ता रहे अल्लाह पुछा देता है झगड़ा यह कि मदद के लिए किसी को नहीं पुकारना वो है इया का ना आबदू व ईया का नस्ताइन कहता है जी कुरान में लिखा है कि गैर अल्लाह से मदद मांगे मैंने कहा, कहा लिखा है कहता है कहताइन बस वह मैंने कहा तो तुमने कभी मांगी नहीं होगी खुद भी इसका मतलब है अलमद या नमाज अलमद या सबर सोच में पड़ गया मैंने कहा अगला हिस्सा पढ़ो इन अल्लाह मा साबरीन बेशक अल्लाह सबर करने वालों के साथ है इसी तरीके से जो उनके हैं बहाने वो करता है मैं बता, बताना शुरू हुआ कहता है जी मैं बड़े मौलाना को फोन करता हूं आगा को फोन करता हूं <laughs> आगा को मिलाया ना फिर आगा के साथ जो उसने की ना स्पीकर मैं क्या ऑन कर आगा दी मैं भी सुना फिर क्या होती है वो आगा ने भी पहले यही आयत पढ़ी वस्ताईन बेसबरी वसरा वो कहते आगा ये चुके गैर मदद साबित होती है हालांकि थोड़ी देर पहले वो भी इससे मतलब साबित कर रहा था वो जो जो बात करता जाए तो मेरे साथ चुके बात कर चुका था एंड पे ये हाल हुआ उसका उन्होंने कहा जी ये तो हमारे पास तो कोई हमारे बड़ों के पास जवाब ही नहीं मैंने कहा जवाब तो होता है जब कोई मसला हो ये तो बिल्कुल वाजह है एक चीज तोहीद के मामले में तो ये एक मेरी जिंदगी में एक अच्छे वाक्यात में से एक वाक्य एक दूसरा वाक्य मैं आपको सुनाता हूं ये ऑलमोस्ट बात है 2012 की हम लोग आई की मस्जिद में नमाज उन दिनों पढ़ते थे दारुस्ल मस्जिद अल हदीस की और पास हमारा एक मकान हमने किराए पर लिया था बैचलर्स रहते थे हम तो वहाँ पर एक आलिम थे महक्क आलि जाकिर नहीं आलिम फ़ोत हो गए हम अल्लाह ताला उनकी मफ़रत करें बड़ा उनके साथ मेरा अच्छा एक ताल्लुक़ था शुजा आब्बाश साहब तो उन्होंने मुझे अपने घर बुलाया कि जी आए इफ्तार वग़ैरह हमारे साथ कर लें उनका ठीक है दो तीन दोस्तों के साथ वहाँ सात आठ हमारे भाई बैठे हुए थे जो अहल तशैयमकतब से थे तो कहने लगे इंजीनियर नहीं साहब आप बड़ी मदल गुफ्तू करते हैं और तोहद के मामले में मैं आपके साथ एग्री करता हूँ मैं भी सिर्फ अल्लाह ही को पुकारता हूँ लेकिन आप ये ना कहा करें कि यह मदद शेर कह आप ये कहा करें कि ये भी जायज़ है लेकिन बेहतर है कि अल्लाह को पुकारा जाए मैंने कहा यार तोहद के ऊपर तो कम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता हुसैन इबन अली ने गर्दन कटाई है तो तोहद के लिए हमारे महबूब सल्ला वसम ने अगर तकलीफ उठाई है और सारे ने वो तोहीद को करने के लिए तो मैंने ये है का ना अबुदू का तो कहते हैं जी किसी और से नहीं मांगते अब देखें एक पढ़े लिखे बंदे को जेब देता है कि जब तुझसे ही कहे मतलब मैंने खैर फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट मैंने कहा एग्री करता हूँ आपके साथ मैंने कहा मेरे भाई कुरान लेके आए और मैंने कहा ये आपकी जो ऑडियंस है ना आपके स्टूडेंट्स जो बैठे हैं इधर ये फैसला करेंगे मैं आपको कुरान से एक आयत ऐसी निकाल देता हूं जिसमें लिखा है कि और किसी से नहीं मांगना कहते हैं किधर लिखा है मैंने कहा लाएं आप वो लेके मैंने कहा जनाब सूरह नमल खोलें पारा नंबर बीस का पहला सफा निकालें और उसमें आयत नंबर सिक्सटी टू आप पढ़े आऊदबिल्लाजी बिस्मिल्लामानीबर भला बताओ तो कौन है जो मुसीबत और परेशानी में घिरे हुए शख्स की फरियाद को दुआ को सुनता है वह यकशिफू और उससे उसकी बुराई को तकलीफ को दूर कर देता है वह यजुम खलफा अलर्द और तुम्हें खलीफा करता है जमीन पर अगलों का यानी तुम्हारे माँ बाप मरते हैं तो तुम खलीफा बनते हो तुम मरोगे तुम्हारी औलाद अला मह क्या अल्लाह के साथ और इला भी है जिसकी ये क्वालिटी हो कि वो मुश्किल और परेशानी में घिरे हुए शख्स की फरियाद को सुने और उसकी तकलीफ को दूर करें अली लम्मा तक करूं लेकिन नसीहत तो बहुत कम ही तुम हासिल करते हो तो मैंने कहा कि अल्लाह तला ने इसमें फरमा दिया है कि अल्लाह के सिवा अगर किसी और हस्ती के बारे में तुम्हारा अकीदा है ना कि वो तुम्हारी तकलीफ दूर करती है और दुआ को सुनती है तो गोया वो इला है तुम्हारा दूसरा जाली इलाह तुमने बनाया हुआ चाहे कोई पैगंबर हो फरिश्ता हो जिन हो बुजुर्ग हो या बाबा हो वो गोया आपने इलाह बना लिया मैंने कभी बताएं ये मैंने तर्जमा ठीक किया माशाल्लाह उनको फारसी भी आती थी अरबी भी आती थी इंग्लिश भी आती थी उर्दू भी बेसिकली वो इंडियन कश्मीर के रहने वाले थे तो कहते हैं जी ये तर्जा तो आपका ठीक है लेकिन मैंने कहा लेकिन नहीं अब वाम से फैसला करवाते हैं लेकिन तो अब ख़त्म हो गया ना आयत के बाद जब एक वाज बत में से कोई चीज़ आ जाए वहाँ जितने बैठे थे उनका जी इंजीनियर साहब आपकी बात जो है ना सौ फीसद ठीक है इसमें बिल्कुल वाज मौजूद है कि आपने किसी और को नहीं पुकारना तो अगर कोई कहता है या शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल मदद अलमद बिल्ला तो वो गोया हज़रत कादिर जिलानी को इलाह मान रहा है कुरान ये कह रहा है हाँ अलमदत के बगैर कहता है कहता रहे क्या तक कहता रहे कोई नहीं सुननी किसी ने ना किसी ने जवाब देना है सूरत अलहकाफ़ में आया कि जिन हस्तियों को तुम पुकार रहे हो ना ना तो वो तुम्हारी आवाज़ सुनते हैं उल्टा क्या मतलब जिन तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे और इस तरह का टॉपिक कुराना पार में कई जगह आया तो ठीक है आप लगे रहे कोई फर्क नहीं पड़ना अलमद ना बोलें वैसे आप जितने मर्जी नारे लगाने हैं जिसके मर्जी लगाए वो आप मुझे भी पुकारते रहे दुनिया में कहीं बैठ के मुझे भी नहीं पता चलना ना आपको मैंने कोई जवाब देना है लेकिन जैसे ही आप कहेंगे ना अल मदद मेरी फरियाद रसी को पहुंचे मेरी तकलीफ दूर कर दें सर फिर यह मामला शिरक में चला जाएगा ख्वाह किसी मरे हुए को पुकारें ख्वाह किसी ऐसे जिंदा को पुकारें जिसे आप सामने देख नहीं रहे या उससे कम्युनिकेट नहीं कर रहे एक तो आप फोन पे कम्युनिकेट कर लें वो फिर असबाब में आ जाएगा वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा एक तीसरा वाक्य आपको सुनाते हैं यह बात है 2012 ही की हमारे ऑफिस में एक कलीग थे हम दूसरे किसी ऑफिस में गए तो हम दोनों तो वहाँ पे एक दावत इस्लामी के भाई थे वहाँ पे इमामत करवाते थे तो उन्होंने देखा हमें जब सुनत के मुताबिक यदैन से नमाज़ पढ़ते हुए तो उन्होंने कहा यह नजदीक कितने वो ये कौन से नजदी हैं जो हमारे पीछे नमाज़ पढ़ते हैं अल्लाह के हदीस तो के नज़दीक तो ब्रलियों के नज़दीक पीछे नमाज नहीं होती ब्रलियों के नज़दीक उनके पीछे नमाज नहीं होती तो इसी वजह से उनके दिल में हमारे लिए नरम गोशा पैदा हुआ करते करते उन्होंने हमें अपने घर दावत पे बुला लिया और हमने मौका नहीं में जाना उन दिनों हमें शौक़ था कि चलें लोगों से बात करें तो गए तो इसी निये से कि इनको तोहीद की बात करेंगे उसने आगे से जाल हक निकाल ली मुफ्ती अहमद यार खान नहीमी साहब की जो हमने नाइनटीन नाइन्टी फोर में पढ़ी हुई थी उस जाल हक में जितने शैतानी वसवसे हैं ना तोहहीद के ख़िलाफ़ उन सब का जवाब इस पंफलेट दुआ सिर्फ़ अल्लाह अल्लास् में मौजूद है अच्छा वो जनाब गुफ्तु होते होते कहता जी कुरान से कोई ऐसी आयत बताएं जिसमें अल्लाह तला ने नबियों से बांगने को मना किया हो मैंने कहा जी मौजूद है कहता जी किधर मैंने कहा सूरतुलमादा की आयत नंबर सेवेंटी फाइव मलमसी अबन मरियमा रसूल ईसा इबन मरियम तो नहीं थे मगर एक रसूल ही गलत मिलकबली रसुल और इनसे पहले भी कई रसूल गुजरे हैं वह उम सिद्दीका और उनकी मां सच्ची औरत थी बेटा उल उल आजम पैगम्बर पांच पैगम्बरों में से मोहम्मद रसुल्ला इब्राहिम खलीलुल्लाह मूसा कलीम्ला और नूह सफी और ईसा रूह उल्ला ये पांच उलम पैगम्बर हैं जो सूर अशूरा और सूरतुलजाब में अल्लाह ने बताए हैं कोई पैगंबर इनके लेवल का नहीं है उनमें से एक ही साहब ने मरी हूं मैं उल अजम पैगंबर और माँ और या की सरदार पैगंबर की मां कौन सा बली उसका मुकाबला कर सकता है जिसको अल्लाह ने चुन लिया आले इमरान को उनके नाम पर सूरत है इनके वालदा ने मन्नत मानी थी ना कि मुझे एक बेटा मिले तो हैकिल सलमानी टेम्पल ऑफ सलमन की खिदमत के लिए मैं उसे वहां के लिए वक्फ कर दूंगी वो मुजावर होगा वहां का और वो दरगाह चलाएगा दरगाह ये नहीं है। वो पीरी मुरीदी वाली दरगाह नहीं तोहीद वाली जिस तरह हमारी भी ये दार अरकम है हम इसे एकेडमी भी कहते हैं और ये हमारी खानका भी है जहाँ पे हम तोद की दावत पेश करते हैं तो लेकिन वो बेटी पैदा हुई अल्लाह ने कहा कि कोई बेटा भी उस बेटी जैसा नहीं होगा जो हमने तुझे बेटी दी है क्योंकि उससे उस आगे औलाद को हम और हजरत मरियम खुद जान वालों के लिए निशानी बनी है क्योंकि वो बगैर खावन के उनको औलाद हुई है इस हवाले से हजरत मरियम खुद भी एक पूरी इंसानियत के लिए निशानी है अल्लाह की पैगंबर नहीं थी लेकिन बहुत बड़ी अल्लाह की निशानी है ये तीन ही बंदे हैं हजरत आदम सैदा मरियम और ईसा इबन मरियम जिनके साथ ये यूनिक केस है आदम के न माँ ना बाप और हजरत मरीम को बगैर खामद की औलाद और हजरत ईसा आलाम की मां थी बाप कोई नहीं था इस हवाले से इन तीनों की कोई और आप मिसाल नहीं पेश कर सकते तो दोनों आगे अल्लाह फरमाते कान या याकुल ताम दोनों खाना खाने के मोहताज थे मैंने कहा देख लो अल्लाह ताला कह रहा है वो भी मोहताज थे और किसके रोटी के हम हाँ आपने कह रहे प्य रोटी का मोहताज हो गया फिर रोटी का मरतबा ज्यादा हो गया यही कहानियां करान दिन अच्छा जी वो अगर चिड़िया उड़ सकती है तो बुजुर्ग क्यों नहीं उड़ सकते तो उड़े ना यार दिखाएं उड़ के तो अगली बात है कि बुजुर्गों के मानने वाले तो चिड़िया से अफजल है ना अशरफुलमखलूकत है ना तो मानने वाले ही को उड़ के दिखा दे तो हम कह देंगे ठीक है आप वरना आप चिड़िया से भी गए गुजर है चिड़िया उड़ सकती है यार चिड़िया को अल्लाह ने कैपेबिलिटी दी है इंसान को नहीं दी है इससे अफजलीत गैर अफजलीत का क्या फर्क पड़ता है तो अल्लाहर माता रोटी खाने के मोहताज से ओम जुर्फानबीन आयात तुम देखो हम अपनी आयात किस तरह खोल कर बयान करते हैं सुम मंजूर फिर तुम इनकी तरफ देखो अन्ना यू फकून ये कहाँ गिरे जाते हैं अल्लाह पर माता है इससे ज्यादा मैं कैसे समझाऊं कि रोटी का मोहताज कोई हो और उसको ये मुश्किल गुशा बनाए बैठे हैं देखो हम आयात खोल के कर बयान करते हैं और इनका गेर उल्टा ही लगा हुआ है अगली बात उल इन क्रिश्चन से कहो अल्लाह को, अल्ला को छोड़कर ईसा और उनकी माँ इनको तुम इनकी इबादत कर रहे हो लकुम नफा जो ना मालिक हैं तुम्हारे तो किसी नुकसान के ना किसी नफे के मैंने कहा देख लो यहां पर आ गया कहते तो हम तो नबील इस्लाम की या बुजुर्गों की इबादत नहीं करते यहां तो आया था इबादत करते हो ऐसे की तो ईसाइयों को अल्लाह ने इसलिए कहा कि वो इबादत करते थे हम तो नबीस्म को अल्लाह का बंदा मानते हैं और नमाज में अब्द हुआ रसूलू पढ़ते हैं मैंने कहा ना पुरानिया पुराने बुजुर्ग अगे पढ़ माँ यम लिकुलाकुम बरू अला नफा ईसा उनकी मां ना तुम्हारे किसी नफे के मालिक है ना नुकसान के माने कहा इबादत करना छोड़ ना कर इबादत अल्लाह तो यह कह रहा है कि ईसा मुश्किल कुशा है ही नहीं उनकी मां है ही नहीं ना वो किसी को नफा दे सकते हैं ना नुकसान साथ ही चुप कर गया वो बंदा क्यों क्योंकि जाल हक में सिर्फ पहले वसवसे का जवाब था दूसरे का उनके पास भी नहीं था इसलिए इसने बड़े कॉन्फिडेंस से जवाब दे दिया कि मैं फौरन का और मैं पहले ही सोच रहा था कि जब मैं आयत पढ़ूंगा तो आगे ये कहेगा सर मुझसे ज्यादा कौन बरेलवी जानता है इकतीस साल थोड़ा शिर खुलाया हमने लेकिन आप देख लें हजरत उमर छवें नंबर पर आए हैं यानी मुसलमान हुए हैं छह साल बाद चालीसवें नंबर पर तरक्की करके दूसरे नंबर पर पहुंच गए छह साल तक मुसलमान नहीं हुए लेकिन जब बात समझ आई है ना फिर जनाब आप देख लें फिर उन्होंने लिहाज नहीं किया किसी का तो मैंने कहा देख एक तो यह मसला हल हुआ और दूसरा देख तुझे यह पट्टी पढ़ाई गई थी कि बुत मिंदू ना होते हैं और अल्लाह और अंबिया को आप मिंदू नहीं कह सकते तो देख यहां पर अल्लाह ने ईसा उनकी मां को भी कहा है। अल्लाह को छोड़कर ये हस्तियां तो मिंदून अल्लाह पैगंबर भी हो सकते हैं जबकि उनको अल्लाह के मुकाबले पर खड़ा किया जाए अच्छा इसमें पैगंबरों का कसूर नहीं है वैसे हम भी मानते हैं कि वो अल्लाह की पार्टी है हिजबुल्ला है पैगंबर और जो शयातीन है वो और उनके फॉलोअर्स वो शैतान हैं उन मानों में वो अल्लाह की पार्टी है लेकिन जब तोहीद का मामला आएगा ना फिर जो पैगंबर भी सामने खड़ा किया जाएगा ना तो फिर अल्लाह ताला इस, इस चीज का भी लिहाज नहीं करेगा और सूरत की आप आयत नंबर सेवनटीन में देखें ना अल्लाह ताला ताला बेशक वो बेशर कर रहे हैं जो कह रहे हैं मरियम ही अल्लाह है नुम फरमाओ कि अल्लाह का कोई क्या बिगाड़ लेगा इन मसीह मरियम अगर अल्लाह हलाक कर दे ईसा इब ने मरियम को वह उमहू और उसकी मां को वह मनफिल अर्द जमी आ और जितने जमीन में आबाद है सबको मौत दे दे मौत भी नहीं मौत फिर भी थोड़ा लफ्ज था हलाक कर दे तुम कह रहे हो ईसा अल्लाह है तो अल्लाह चाहे तो ईसा को हलाक कर दे अच्छा गुस्सा ईसाइयों पर है और जिक्र किसका और है तो वो साख रही की बात मुझे याद आई वो अक्सर कहते थे ओ भाई हैं तो गुस्ताखी ऑटोमेटिकली हो जाएगी यहां पर देख लें अल्लाह ने तोहीद बयान की है और इनके जो में गुस्ताखी ऑटोमेटिकली हो गई है गुस्सा था ईसाइयों पर अल्लाह ने कह दिया अगर अल्लाह ईसा को हलाक कर दे उसकी मां को सबको अल्लाह का कोई क्या बिगाड़ सकता है उसका फैसला है गुस्सा ईसाइयों पर लेकिन जब पेगमरों को अल्लाह के मुकाबले पर खड़ा किया जाएगा फिर और कोई जरिया नहीं है समझाने का इनसे होता तो यह कहते यार, ये किस तरीके से गुफ्तु हो रही है अल्लाह के लिए बादशाह आसमानों की और जमीन की वही नुमा और जो कुछ इनके दरमियान है यखलुकुम वो जो चाहता है पैदा करता है, हाय हाय है। अल्लाह ने कहा वो जो मर्जी पैदा करे ईसा भी एक उसका बंदा उसने पैदा कर दिया अरबों मखलूक उसने पैदा की हैं उसमें से एक ईसा भी है जो चाहता है पैदा करता है वल्ल आलाकुल्ली क़दीर, अल्लाह ताला हर चीज़ के ऊपर कादिर है बहरल ये फिर जो हमारे ब्रिलवी भाई थे ना ये भी लाजवाब हुए ये आपको मैंने तीसरा वाक्य सुनाया चौथा सुने टू की बात है इंडिया से हमारी अकेडमी में फोन आया उन दिनों हमारे उस्मान भाई फोन सुनते थे सारे काम अकेले ही कर रहे होते थे तो इन्होंने मुझे बताया जी इस तरह इंडिया से एक फ़ोन आया है एक मुफ्ती साहब का और वो मंज़ूर इस्लाम बरेली में जो आला हजरत का मज़ार के ऊपर मदरसा बनाया जिसके नाम से दुनिया में बरेलवियत फैली जिस तरह एटीन सिक्सटी सेवन में देवबान मदरसा बना ये एटीन नाइन्टी सिक्स में बना मंजूर इस्लाम बरेली तो वहाँ से कॉल आई है एक आलम दीन की और वो कहते हैं जी मैंने अली भाई से बात करनी है वो मेरे मोहसेना और और मैं अमूमा कोशिश करता था कि आखिरी दर्जे तक फ़ोन नहीं सुनो लेकिन ये जब उन्होंने कहा नहीं बरेली से है और आलिम है और बात करना चाहते आलिम है मुफ्ती है हैं कर जी कराए बात इन्होंने खैर उनको टाइम दे दिया अगले दिन का तो मैं उस्मान भाई के मोहल्ले में जाके मैंने इशा की नमाज़ इनके साथ पढ़ी इशा की नमाज के बाद फ़ोन आ गया उनका इतनी दुआएं दे रहे थे वो और कहते हैं कि मैं यानी सैकड़ों स्टूडेंट्स का उस्ताद हूँ और मैं मदरसे में पढ़ाता रहा हूँ और मैंने मंजिल इस्लाम से डिग्री ली हुई है आपके एक मफलट ने मुझे मुसलमान कर दिया सही मानों में मैंने कहा कौन सा कहते हैं सिर्फ़ अल्लाह ही से मैंने कही आपने कहते वो आपका मैंने क्लिप एक सुना था उसमें आप कह रहे थे कि ये आप पढ़ें तो मैंने डाउनलोड करके इसे पढ़ा तो मुझे पता चला कि सबसे बड़े शिरक या नंबरदारी दुनिया में आम है आलिम होकर कहता है कि मैंने फिर इकतफा नहीं किया कहता है मैंने तीस पैंतीस को अपने घर खाने पर बुलाया और कहा कि एक जरूरी बात डिस्कस करनी है उनके सामने मैंने पंफलेट शुरू से लेकर आखिर तक पढ़ दिया जिस तरह की हजरत जाफर तैयार ने नजाशी के दरबार में सुरहमरियम पढ़ के तो तोद बयान की थी अब यह पंफलेट जब को पूरा सुन लिया आठ सफे है तो जितनी चिलाकियां इनके बड़ों ने इनको सिखाई हुई थी और उस मान उसमान सन जिन्हें वे मंदिर रहे वो सारी खत्म हो गई कहते जब खत्म हुआ मैंने कहा जी कोई क्वेश्चन किसी बंदे का तोहद के वाले से गैर उल्ला से स्तानत के मसले में तो सारे उलमा ने अपना सर फेंक लिया उन्होंने कहा यह जो कुछ इसने लिखा है ना इस बात का कोई जवाब मुमकिन नहीं है तो उन्होंने कहा यार फिर हमें तो वो कहने लगे फिर कि आला हजरत को बात क्यों नहीं समझ आई हाय 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 सुबह अबूजाल अबुल हिकम कहा जाता था नबील इस्लाम की बात उसे समझ नहीं आई है अबू जाल तो हम उसे कहते हैं ना बाद में कहो जालत के बाप वरना वो सबसे बड़ा हकीम था जिस तरह हम कहते हैं डॉक्टर इकबाल को हकीम उम्मत थिंकर थिंक टैंक फैसले बड़े बड़े पंचायत जो होते थे बैठती थी पंचायतें जिन्हें हम कहते हैं बड़े बड़े जिरगे उनके वो फैसले करता था अबुल हम अबू जाल इसलिए कहा गया कि यार इसको नहीं बात समझ रही इतना स्याणा बनता था और उसके ग़ुलाम सुमैया और यासिर मां बाप उनको बात समझ आ गई तो अल्लाह के फैसले तो कहता मैंने कहा यार आला को छोड़ो सूर्य अतोबा की आयत नंबर वन फिफ्टीन है कि अल्लाह ताला उस वक्त तक मौत नहीं देता जब तक कि एक दफा हक वाज़े ना कर दे हर शख्स की जिंदगी में ये मौका आना है तो तुम पे आया तुम कबूल करो तो वो लाजवाब तो हो गए लेकिन आए बाएं शाये करना शुरू हो गया उन्होंने कहा यार अगर हम ये करेंगे तो ये तो हमें यहां से निकाल देंगे और हमारा तो हमें कौन मस्जिद में रखेगा अहलेदीस के पास जाएंगे वो भी हमें कबूल नहीं करेंगे सबसे बड़ा मसला यही है अच्छा खैर वो बड़ा कह रहा था कि ये बहुत जबरदस्त चीज है और हम यहां पर दावत का काम कर रहे हैं मुझे सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा था कि भाई इसको कैसे हिदायत मिल गई मैंने कहा यार तुम भी तो मौलवी थे तुमने अपनी नौकरी की फिक्र नहीं की है कहने लगा जी मैं तो नौकरी करता नहीं हूं मेरा तो फर्नीचर का बिजनेस है हाँ तो इसलिए मुझे आखिरत की फिक्र अपनी थी अगर मैं भी मस्जिद या का वो वाला होता वो वॉलंटियरली पढ़ाता था बच्चों को तो कहता मैं इससे कमाता नहीं हूं मेरा अपना बिजनेस है मैं उससे खाता पीता हूं मुझे कोई परवाह नहीं कोई मुझे मदरसे से निकाल दे तो मेरी रोटी तो नहीं बांधो नहीं तो वो जो मैं बार बार कहता हूं ना मेरी रोटी दीन के साथ नहीं जुड़ी हुई मैं दीन से को बेच कर अपने लिए एक रुपया कमाना भी हराम समझता हूं क्यों कि जब रोटी दीन के साथ जुड़ जाएगी फिर आपको कोई हक बात नहीं बताएगा क्योंकि उसे फिक्र पड़ जाएगी कि मेरे साथ क्या बनना है